लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, आप मैं पहले भी आया हूँ, आप मुझे जानते भी हैं, मैंने 62 देशों की यात्रा की है। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ, मेरी पुस्तक टेक्स्ट में भी चलती हैं, लेकिन आज भी सोने से पहले मैं 15 मिनट पढ़ता हूँ। मेरी बात को तालियों से रिसीव करना, मैं गारंटी दे सकता हूँ। मैंने 62 देशों की यात्रा की, लेकिन जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है, न किसी समाज। ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, मैं तो बैठा बैठा ये सोच रहा था कि नैनवा के बच्चे अगर रोज इस टाइम तक जगते होंगे, आप गलत समझ रहे हैं भाई साहब, मेरा मतलब है सुबह स्कूल जाने में परेशान करते होंगे। अच्छा, बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कहीं में बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर, कहता पापा जब सारे ही पढ़े लिख जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा है कि नहीं। अब मैं कहता सारे सरदार आजकल सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, देख ले इतना पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार था। कहता क्या खाक पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। और मैं कहा मैडम की बात तो ये सारे ही सरदार मानते हैं, घर में किसी की नहीं चलती है। हाँ नहीं जमाने तो चला के देख लेना आप। तो मैं ये बता रहा था, मैंने कहा बेटा कुछ भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मैं कहा साढ़े तू क्या कर रहा है, कहता तू ही तो कह रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। मैं कहा बेटा ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा करे जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में NCC वाले अफसर ने आना है लड़का सेलेक्ट करने के लिए, कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। मैंने कहा बेटा NCC वाले अफसर तो रिटायर मिलिट्री अफसर होते हैं, देशभक्ति की बात ज़्यादा करते हैं, तेरे से ये भी पूछ सकते हैं देश आज़ाद कब हुआ था, तो तू बता देना। सन 1942 में तैयारी सी होने लग गई थी और 47 में हो गया था। और ज़्यादा से ज़्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे सारी पब्लिक का योगदान था पर नेहरू गांधी चंद्रशेखर भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज्यादा था। पर भाई जी वो तो बेड़ा गर्क कर आया। दरअसल उस अफसर ने उसे सवाल ही कुछ और पूछ लिया, नुको बेटे तेरा जन्म कब हुआ था। कहता जी सन 1942 में तो तैयारी सी होने लगी और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका था, तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था पर नेहरू कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा था। और मैं फिटे मुंह तेरे, तू जिनकी बात करता है, मैं पता है भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे क्लास के मॉनिटर बन गए थे, तू साले बन सकता है। कहता पापा मेरी उम्र के तो क्लास के मॉनिटर बन गए थे पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। लेकिन दोस्तों एक बात शेयर करना चाहता हूँ, बच्चे ये बहुत देर से आप ठाके लगा रहे हैं लेकिन ताली नहीं बजा रहे हैं। आप इतने हंस लिए, अब मैं समाप्त कर दूं इसको। भाव ना पड़ा हूं यार अपना, मैं जा थोड़ी रहा हूं, मैं तो सुबह जाऊंगा। अब आई बैटरी की आफत, नीचे वाले भी कहने लग गए चार्ज कर लो। तो दरअसल क्या है, चलो मैं आपको एक बचपन से एक बढ़िया चीज़ सुनाता हूँ। अब ये बच्चे बैठे हुए हैं, देखिए एक हमारा जमाना था, आप मेरे हम उम्र होंगे, हो सकता है मेरे हम उम्र बहुत सारे बैठे हों यहाँ है जी, बहुत कम है, मतलब मेरी उम्र के निकल लिए सब। मैं ही एक ऐसा बेशर्म हूँ जो टिका हुआ हूँ अभी तक। लेकिन हिंदी में बोलो
कैमरा वाला ले लें दो, वो अपनी अपनी आदत है, जाती नहीं आदमी की, जैसे उनने बताया। सुनिए मैं सुन लो, बस्ती में सुन लो, एक बिल्कुल बचपन से हाथ से निकाल के देता हूँ, आम उससे मैं यहीं से निकालता हूँ। अभी मेरे से बात कर रहे थे मेरे मित्र अखबार वाले कि तुम हास्य कैसे ढूंढते हो, मैं कही आप भी देखते हो उन्हीं चीज़ों को, हम भी देखते हैं, आप अपने तरीके से देखते हो, हम अपने तरीके से देखते हैं, घटना एक ही होती है। सुनना मैं, ओ भाई भाई बैठ जा, बैठ हाँ ये रह गया था यार लौट लौट चल भाग नहीं आ रहा तो क्या करें तो क्या है, हमारा एक जमाना था, आज तो देखिए बस हो गई, एसी बस हो गई, एसी स्कूल हो गई, सब चीज़ हो गई, अपनी गाड़ियों से लोग स्कूल छोड़ आते हैं। हम तो पैदल पैदल जाया करते थे, पैदल जाते थे सर, हालांकि मैं कभी पैदल नहीं गया। मेरे तो हेडमास्टर साहब मुझे लेने के लिए चार हट्टे कट्ठे लड़के भेजा करते थे, दो मेरी टांग पकड़ते थे, दो हाथ और सीधे स्कूल में जाके पटकते थे। अच्छा मैं भी हवाई जहाज का आनंद लेके गया, घूम पटक दिया। हालांकि ये सीन आपको आज भी मिल जाएगा, अभी मैं और बुद्ध प्रकाश हम बस स्टैंड पर खड़े हुए, तीन चार जने एक को ले जा रहे, वो छूट छूट के भागे, ले जा रहे वो छूट छूट के भागे। मैंने कहा बेटा ये बच्चा स्कूल नहीं जा रहा होगा, बोले ये बच्चा नहीं मास्टर है ये मिड डे मील खा के जाता है और लौट के नहीं आता है। तो क्या है कि पहले ऐसा था, अब हालांकि एक बात बताऊं, मुझे दुख इस बात का है कि मेरे घर में साइकिल थी लेकिन घर वाले मुझे साइकिल नहीं देते थे, कहते थे तू कैंची फंसाता है। हालांकि मैं तो अब तक भी कैंची ही फंसाता हूं। ऑडियो विजुअल पॉइंट कहते थे इसके कुत्ते खराब हो जाएंगे। साला मेरी आज तक समझ में नहीं आया साइकिल में कुत्ते कहाँ होते हैं। मैं क्या समझता था ये गली मोहल्ले के कुत्ते खराब हो जाएंगे। तो जब मैं कैंची कैंची साइकिल चला के आता था और कुत्ता बैठा देख लेता था तो मैं पूरे पैडल मारने लग जाता था कि कहीं बेचारा कुत्ता खराब ना हो। ये होता था। अच्छा गुरु एक बात बताऊं, साइकिल बुद्ध प्रकाश सुनो, साइकिल एक ऐसा यंत्र है जिस दिन से बना है उसके सीखने के वो ही तीन कायदे हैं आज तक, पहले कैंची, फिर वो हाँ डंडा और फिर गद्दी पे चलाना सीखा करते थे। और दोस्तों जब डंडे पैसे चलाना सीखा करते थे और कभी कभी पैडल पैसे पैर स्लिप हो पंद्रह मिनट तो साइकिल ऐसे पड़ी रहती थी, आदमी साला नटवर लाल बन जाता। तो ये साइकिल मुझे देते नहीं थे घर वाले। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, फिर मैं संस्कार पे आता हूं, ये देश हमारा गुरु और शिष्य का देश है। जब गुरु द्रोणाचार्य एक लव्य से अंगूठा मांगते हैं दक्षिणा में, तो सहर्ष एक लव्य अंगूठा काट करके द्रोणाचार्य के चरणों में अर्पित कर देता है। दोस्तों ये वो शहर है लेकिन आज ये देश है, लेकिन आज क्या हो गया है, आज तो ये हो गया है कि मास्टर जरा सा भी कोई किसी को लपड़ मार दे या डांट दे तो घर वाले गार्जियंस शिकायत लेके चले जाते हैं, FIR तक हो गई हैं। दोस्तों एक हमारा जमाना था, क्या क्या कुटाइयाँ होती थी, हाय 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 हाय, और मास्टर भी नए नए तरीके लगाते थे कूटने के, और गुरु हम कुट के आते थे तो घर नहीं बताते थे
क्योंकि घर वाले और ज्यादा कूटते थे कि साले तेने कुछ किया होगा ऐसा ये। तो हमारे एक मास्टर होते थे कान सिंह भाटी, बड़े कूटू किस्म के, उनको हम कूटक यंत्र बोलते थे। हाँ अच्छा, वो कूटने का उनका एक अजब तरीका था। जिस लड़के को उन्हें कूटना होता था पहले उसकी तरफ वो मुस्कराते थे फिर उसे खड़ा कर लेते थे, कठिन सवाल पूछते थे, नहीं बता दो, ऐसे नहीं कूटते थे। हमारा जो स्कूल था उसके आंगन में एक नीम का पेड़ था, तो जैसे लड़के ने कहा सर नहीं आ रहा है तो चलो नीम के नीचे, नीम के नीचे ले जाके कूटते थे। एक दिन मास्टर साहब मेरी तरफ मुस्कराए तो मैं खड़ा हो गया, बोले चल 17 का पहाड़ा बता। पहाड़ा जानते हैं ना आप, गिनती पहाड़े जो होते थे, टेबल जिनको कहते हैं, 17 का पहाड़ा बता। मैंने कहा सर नहीं, तो चलो नीम के नीचे, ले गए और कूटा। मैं घर आ गया, घर आके मैंने 25 तक पहाड़े पर रट्टा मार दिया, 25 तक ही पूछते थे पहले। मैं कह अब देखता हूं इस कान सिंह भाटी को। एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कराए तो मैं भी उनकी तरफ मुस्करा दिया वो मेरा कॉन्फिडेंस ताड़ गए, बोले चल 27 का पहाड़ा बता मैंने कहा सर नहीं, तो चलो नीम के नीचे, ले गए और कूटा। लोग कहते हैं सरदारों में दिमाग नहीं, मुझ में बचपन से है। एक 8 दिन बाद पीछे तक ताली और ठाके, एक 8 दिन बाद वो फिर मेरी तरफ मुस्कराए तो मैं खड़ा हुआ और सीधा नीम के ही नीचे चला गया। कितने घंटा, पता है घंटा कितना बड़ा होता है? 60 मिनट हो, 60 मिनट होती है उसमें। अच्छा चलिए मैं आपको एक बढ़िया अपनी चीज बताता हूँ। मैं जब लाफ्टर में गया था तो इससे मैंने फाइनल में वो किया था, मैं चैंपियन बना उसका। मैं एक बढ़िया आइटम सुनाता हूँ आपको, सुना ये, है? वो जर्मनी वाला भी सुना दो। हाँ वही वही। हाँ चलिए, इनकी भी मांग भरनी पड़ेगी। हालांकि ये बड़ी पुरानी बात थी फिर भी हंस गए आप। भैया कहाँ जा रहा है भाई तू? भाई कहाँ कहाँ जा रहा है? तेरा ब्याह हो गया? नहीं तो फिर घर जाके क्या करेगा? चल इधर आ जा, चला जा, थोड़ी दूर जाके वोट डालेगा अभी। अच्छा मैं वो आपको क्या हुआ एक बात कहना चाहता हूं मैं। भाई तैने ओढ़ रखी है कि कोई माता बहन बैठी हुई है? मैं तेरे से ही कह रहा हूं, मैंने कही तो चुन्नी उतार दी। अच्छा एक बढ़िया आइटम सुना था, सुनना मस्ती में। मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ आपको, मैं अपना दुख बता दूँ, ये एक मिनट लगेगी, मुझे अच्छा लगता है, मेरा मन हल्का हो जाता है। मेरी आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, मैं पैरालिसिस हो गया था, मेरे एक वोकल कॉर्ड, मेरे गले में गांठें थी, डॉक्टरों ने सोचा ये कैंसर है इसकी वजह से आवाज़ गई है। जब लेकिन बाईएफसी हुई तो उसमें टीवी निकली, 6 महीने मैंने टीवी की दवाई खाई, उससे कि कोई साल्ट ऐसा था कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई। सुनना कितनी आफत, मुझे भारत सरकार ने, मैं थैंक यू दूंगा भारत सरकार का और उस समय के हमारे जो वो थे स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी, उन्होंने मुझे अपने खर्चे पर इंग्लैंड भेजा
सरकारी खर्चे पर 8 दिन रहा। लेकिन एक बात आपसे साझा करके जा रहा हूँ, जितना अच्छा इलाज हमारी एम्स के अंदर होता है उतना इंग्लैंड वंग्लैंड कहीं नहीं होता दोस्तों। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने वहाँ से फ़ोन किया डॉक्टर हर्षवर्धन के लिए, मैं कहा भाई साहब मुझे वापस बुला लो, देश का पैसा बर्बाद हो रहा है। बोले क्यों? मैंने कही सर ये कुछ नहीं कर रहे, मैं यहाँ पड़ा रहता हूँ, आते हैं वो शॉट टर्न फिट होश हा टी चला गया। मैं कही इससे अच्छा तो मेरे एम्स में इलाज हुआ है, एम्स में ही मेरा ये ऑपरेशन हुआ और ये आवाज़ लौट करके आई। इसके बाद में क्या हुआ, जो सेकंड वेव आई थी ना उसमें मुझे कोरोना हो गया। मैंने कहा यार इतनी उससे निकल के आया प्रताप सिंह तू, ये कोरोना में कहीं तू भी आ जा बेटा, नहीं बाद में तू यूँ कहेगा कि मैं रह गया था। लेकिन उसमें से भी आपकी दुआएं मुझे बाहर लेकर के आ गई। दोस्तों मैं आज आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, मुझे मैं बता नहीं सकता हूँ कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। मैं हार के घर बैठ गया था, मैं कही चलो छोड़ो, ज़िंदगी में बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया ज़िंदगी में, मैं अब छोड़ो इसको। लेकिन ये मेरे मित्र है, ये बच्चा है मेघ श्याम मेघ, ये मेरा बिल्कुल बच्चे जैसा है और मेरे छोटे भाई जैसा है, ये बुद्ध प्रकाश दधीच। इन्हें कहा भाई साहब घर मत बैठो, प्लीज़ आप जितना आनंद दे सकते हो दो और जितना आनंद ले सकते हो लो, जितनी दुआएं ले सकते हो उतनी दुआएं लो, घर मत बैठो। दोस्तों इसी उससे मैं आज आपके सामने खड़ा हुआ हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। वो मैं भूल गया, मैं गया लाफ्टर के लिए वहाँ, ये पुलिस चली गई क्या यहाँ से हैं? नहीं आज मैंने पुलिस पर फोन ही नहीं की है, तो इसलिए मैंने पूछा कि पुलिस चली गई कि नहीं। तो मैं लाफ्टर के लिए जब बॉम्बे गया तो सरदारनी ने सोचा ये गया कहाँ, एक दिन फ़ोन किया कहाँ है तू, मैं कहा बॉम्बे, कि बॉम्बे क्या कर रहा है, मैंने कही लाफ्टर कर रहा हूँ। अच्छा वो बगैर पढ़ी लिखी जट्टी है, उसकी समझ ना आई क्या कर रहा है, बोली क्या कर रहा है, अरे मैं कहा लोगों को हंसा रहा हूँ, कहती घर आ जा ये बच्चे रो रहे हैं पहले इन्हें चुप करा ले। अच्छा जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना तो मुझे जर्मनी से एक फ़ोन आया कि यहाँ आओ और हंसाओ। मैं कह यार मेरे को जर्मन तो आती नहीं है, मैं कैसे हंसाऊंगा, तो वो हमारा सुरेंद्र है ना, सुरेंद्र तबड़ तबड़ तबड़, कौन कौन जानता है, मर गए बुद्ध प्रकाश आपसे ज्यादा सुरेंद्र की तो मुझसे ज्यादा टीआरपी है। तो क्या हुआ, मैंने कहा सुरेंद्र तू जर्मनी जाके आया है, जर्मन बता यार मुझे जाना है। बोले कुछ नहीं पाजी, थोड़ा सा लंबा कर दो जर्मन हो जाती है। मैं कहा कैसे, कि जैसे मैं कहूँ पाजी तुआडा की हाल है, मैं कहा जर्मन, कहता पाजी तुहाड़ा की हाल है। मैं कहूँ भाई जर्मन, बोले हाँ सर मैं इसी के भरोसे जर्मनी चला गया। मैं वहाँ उतरा, सामने का रेस्टोरेंट था, मैं कुछ खा लूँगा और जर्मन टेस्ट हो जाएगी। एक बैरा मेरे पास आया, मैं कहा मेरे लिए एक गिलास पानी ला। वो पानी ले आया, अबे मैं कहा गुरु जर्मन तो चल गई। मैं मेरे लिए एक पिज्जा ला, वो पिज्जा ले आया, मैं कहा गुरु यही है जर्मन, मैं बैठ करके खाने लगा। तो वो ऐसे खड़ा हुआ था काउंटर के पास, वहीं से मेरी तरफ देख के बोला सरदार जी आपको और क्या चाहिए। साला मुझे कुछ शक हुआ, मैं तू इधर आ, मैं तू कहाँ का रहने वाला है, कहता मैं बठिंडे का रहने। गुरु इसका असली पंच तो अब है।
मैं कहा फिर हम जर्मन में बातें क्यों कर रहे हैं। तालियां बजाओ जोर से एक बार। बहुत अच्छा वीर जी, वाह। दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद नैनवा, आपने मुझे पहले भी ऐसे सुना, आज भी प्यार से सुना। एक बात कह के जाना चाहता हूँ दोस्तों, हंसी बड़ी नियामत है। अगर कोई फकीर आपको हंसते हुए दिख जाए तो ये समझ लेना ये दिल से अमीर है। वाह। और एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जितने भी धनपति हैं ना, इनकी हंसी नहीं होती, लेकिन आपको कोई अमीर हंसते हुए मिल जाए तो ये समझ लेना ये दिल से फकीर है। एक बात कह के जाना चाहता हूँ, मेरी नई पीढ़ी बैठी है, मेरे हम उम्र सुने नैनवा, मेरी बात को साथ रखना, आपका जीवन में कोई काम खराब नहीं होगा। अगर हो जाए तो मेरी गर्दन पकड़ लेना कि सरदार साहब आप झूठ बोल करके गए थे, लेकिन मेरी बात को आप जीवन में साथ रखेंगे आपका कोई काम खराब नहीं हो सकता। दोस्तों बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं। क्या बात है। बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। वाह वाह वाह। मैं चार पंक्तियों से आपसे विदाई लूंगा। एक बात कहना चाहता हूँ, मैं चार पंक्तियाँ कविता की पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं माँ सरस्वती के मंच पर खड़ा हुआ हूँ तो मेरा दायित्व तो बनता है, हंसाना मेरा अलग दायित्व तो है, लेकिन ये दायित्व तो भी बनता है। चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, अभी मुझे पत्रकार बंधु ने पूछा कि आप सोचते कैसे हैं। मैंने कहा ना, एक कवि हमारे अंदर है और एक कवि आपके अंदर है। मैं कह रहा हूँ आपके अंदर एक कवि है, फर्क इतना है, हमारा कवि मंच पर आकर के बोल रहा है, कविता सुना रहा है, और आपका कवि बैठा हुआ कविता सुन रहा है। अगर आपके अंदर कवि नहीं होता तो मैं गारंटी देता हूँ इतनी बरसात और विषम मौसम में भी आप यहाँ नहीं बैठे होते, घर चले गए होते। मैं गारंटी देता हूँ आपके अंदर कवि बैठा है। फर्क इतना है, आप भी देखते हैं घटना को, हम भी देखते हैं, हम उनको शब्द रूप दे करके यहाँ बोल देते हैं। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ और एक करुणा से जोड़ता हूँ आपको, सुनना मेरी बात को। हालांकि मेरा मन था, मेरा गला बैठ गया है, नहीं मेरा मन था कि मैं एक गीत सुनाता आपको, एक बंद सुनाता हूँ, मेरा गला साथ नहीं दे रहा है। ताड़ियाँ बजाओ तो ताड़ियाँ बजाओ। सुने सुने में गीत सुनाता हूँ। किसी बच्चे ने शायद किन्ने कहा था कि भाई वो चुटकुले और वो देखिए हंसी अपनी जगह है, हास्य एक रस है, नौ रस है, उनमें से एक रस हास्य है। किसी रस को आप गाली नहीं देने तो ज़्यादा अच्छा है, मैं इसलिए कहता हूँ। मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ, सुने। हाँ भाई साहब। जीवन का पथ रोज बुहारा, जीवन का पथ रोज बुहारा, पर कुछ दिन के छूट गए। जीवन का पथ रोज बुहारा, पर कुछ दिन के छूट गए। मन के हार पिरोए, मन के हार पिरोए, पर कुछ मन के टूट गए। क्या दर्शन है, वाह 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 वीर जी, जियो। रोज बुहारा ये भी होना चाहिए, पर कुछ दिन के छूट गए। बंद सुने, प्रणाम नैनवा। मैं उसी समय समझ गया था जब आपने श्रेष्ठ गीत मेघ श्याम से सुने थे, मेरा मन किया कि आज ये गीत सुना करके जाऊं आपको। सैल्यूट है नैनवा, सुने, बंद सुने।
बुद्ध प्रकाश। हाँ भाई साहब। जन्मे थे देव तुल्य अपकर्मों से अभिषिप्त हुए। पंडित जी, गीता सुनो। योगेंद्र शर्मा जी, मैं आपको समर्पित करता हूं, सुने। जन्मे थे देव तुल्य अपकर्मों से अभिषिप्त हुए, सुधा कुंड तक पहुंच न पाए, खारे जल से तृप्त हुए। वाह वाह वाह। तो श्रम जल अमृत बना लिया। श्रम जल बना दिया स्वेद पसीना, श्रम जल अमृत बना लिया, बे पी कर मीठे घूट गए, जीवन का पथ रोज बुहारा, पर कुछ दिन के छूट गए। मैं आपकी बात का सम्मान रखता हूँ, एक बंद और पढ़ता हूँ, मेरा गला साथ नहीं दे रहा, ठीक है। मैं एक बंद, ये बंद पढ़ता हूँ। आपने जो मेरी उम्र के हैं या मुझसे थोड़े छोटे हैं, यानी 40 से ऊपर हैं, 35 से ऊपर हैं, उन्हें ये जरूर भोगा होगा। दोस्तों, आप इस बात पे जाइए, जब घर में फंक्शन होता है, कोई खुशी होती है, तो आपके यहाँ आ कौन जाता है और मनाना आपको कौन पड़ता है। हाँ भाई साहब, ये जीवन का एक वो है, सुनना। लोग पराए प्यार दे गए, प्यार भरे व्यवहारों में। कहते हैं ना, प्यार दो प्यार लो। लोग पराए प्यार दे गए, प्यार भरे व्यवहारों में, पर मेरा तो जीवन बीता अपनों की मनोहारों में। क्या प्रैक्टिकल है, वाह वाह। लोग पराए, अंतिम पंक्ति पे पूरा सदन हाथ खड़े करके ताली बजा के मुझे विदा करना। अगर जीवन का सत्य हो तो मैं हास्य हो, गीत हो, ओज हो, लेकिन मैं जीवन का सत्य ही गाता हूं हमेशा। लोग पराए प्यार दे गए, प्यार भरे व्यवहारों में, पर मेरा तो जीवन बीता अपनों की मनुहारों में। तो सब कुछ लुटा दिया उनके हित, सब कुछ लुटा पहुंचना स्थिति पे, सब कुछ लुटा दिया उनके हित, पर फिर भी कुछ रूठ गए। क्या बात है, क्या कह दिया, जियो जियो वीर जी। रोज हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग उस वक्त भी कवियों को सुन रहे हो जब मुर्गे बोलने का टाइम हो गया है। हाँ, हम भी सुनाएंगे, आप रुकोगे तो सुनाएंगे।